ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसके लिए बाबा ने ऐसी एक शिक्षा दे करके ब्रह्मा बाबा को इतने विश्व पितामह बना दिया, आदि देव बना दिया। आदि देव जिसको कहते हैं आदि देव, ऐसे आदि देव बना दिया और उनको शंकर के रूप भी धारण किया। अतः तपस्या ऐसी धारण करने का, एक एक ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बहने ऐसी व्यक्तित्व बनाया, जीवन बनाए तो धरती एक दिन स्वर्ग हो जाएगा। कुछ दिन मुझे विश्वास है 2020 के ऑनवर्ड्स जो है ना, इट इज एन एरा ऑफ पीस, एरा ऑफ लव, एरा ऑफ ट्रूथ, एरा ऑफ हैप्पीनेस। 2020 के बाद में बहुत संघर्ष भी होगा, हिंसात्मक प्रवृत्तियां समाज में बढ़ेगा, परंतु और लंबे समय तक नहीं चल सका। सत्यता का विजय होगा, शांति का विजय होगा, पवित्रता का विजय होगा, सद्भावना का विजय होगा। ये सारी ये जो घटना घट रहे हैं ना, ये सब अपने आप में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार के, अपना सिर पर लाठी मार करके, अपने जिंदगी को बर्बाद करके, कुछ चीज़ें जो गवा करके नुकसान में चले जाएंगे। परंतु हम ऐसी मौके भी आप क्या करेंगे, प्रसन्न चित्त रहेगा, प्रभु प्रेमी रहेगा। जहाँ प्रसन्न चित्त है, बाबा ने कहा था सदा हर्षित मुक्ता देखना हो तो कहाँ देखना है, आप लोगों के चेहरे पर। और शांति देखना हो तो कहाँ देखना है, आप लोगों के पास। एकता की शक्ति देखना हो तो कहाँ देखना, एकता की शक्ति। एकता कोई धार्मिक नेता लोग एकता नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि डिवीजन होते जा रहे हैं और राज्य सत्ता भी डिवीजन करते जा रहे हैं। जितने भी राज्य की सत्ता है, पार्टी के नाम से डिवीजन होते जा रहे हैं। भले कुछ टाइमली एडजस्टमेंट करके, अरेंजमेंट करके कुछ समय के लिए हो जाता है, परंतु बाद में टूट जाता है वो परमानेंट नहीं। सत्ता एकता के आधार से, पवित्रता के आधार से, सद्भावना के आधार से, सहयोग के आधार से ये एकता जो बनता है वो शाश्वत है। दूसरे टेम्पररी जो चीज़ अरेंजमेंट करते हैं, मैं भी अधिकार में चले जाऊँ, मुझे कमाने के लिए रास्ता बन जाए, मुझे भी पहचान ऐसा हो जाए, वो शाश्वत नहीं हो सकते। इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे आप जितनी पवित्र बनेंगे उतने महान बनेंगे, जितनी शांति देंगे उतने महान बनेंगे, जितने सुखदायी बनेंगे उतने महान बनेंगे, आपका पूजनीय बनेगा।